नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों, 69 जज सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ सरकार डबल बेंच गई है और स्पेशल अपील जो की है उसकी कॉज लिस्ट जारी हो गई है। किस दिन सुनवाई होगी उसकी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ में कई अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले ये आप लोग दे सकते हैं रिट नंबर है जो स्पेशल अपील सरकार ने डाली है। पेटिशनर में आप दे सकते हैं एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी इलाहाबाद एंड अदर्स। रेस्पोंडेंट में हैं ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स। यही वो केस है जिसमें सिंगल बेंच में सरकार को हार मिली है और भर्ती पर स्टे दिया गया था, इसी के खिलाफ सरकार डबल बेंच गई है। ठीक है, अब इसकी जो कॉज लिस्ट जारी हो गई है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये कॉज लिस्ट है 8 जून 2020 की। ठीक है, कोर्ट नंबर 1 में केस लगा हुआ है। जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो पंकज कुमार जायसवाल हैं और दिनेश कुमार सिंह हैं। ठीक है, ये डबल बेंच में केस है। जो दो जज हैं यहाँ पर केस दे सकते हैं, वही सेम केस है स्पेशल अपील 154/2020 एग्जाम और रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्सेस ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स। तो फिलहाल दोस्तों ये 8 जून का कॉज लिस्ट है। 8 जून को ये केस लगा हुआ है। 8 जून को लखनऊ डबल बेंच में इस केस की सुनवाई निश्चित हो गई है। अब दोस्तों, इसमें प्रमुख विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकार को इसमें राहत मिल सकती है। जो स्टे लगा है, स्टे हट सकता है। वो क्यों हट सकता है? तो दोस्तों, इसका कारण ये बता दें कि जो सरकार ने ये अपील लगाई है, लगभग 500 पेज पूरा इसमें है अपील में। ठीक है, 500 पेज की याचिका है जो डाली गई है, और सोच समझ कर कि एक एक पॉइंट को सरकार ने बिल्कुल बारीकी से रखा हुआ है, ताकि कहीं से भी सरकार को मुंह की ना खानी पड़े, सरकार को निश्चित रूप से डबल बेंच से जीत मिले। और सरकार का दोस्तों ये भी कहना है कि जो केस चल रहा है आंसर की का, वो केस चले, केस का ऑर्डर आए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जो ठप हो गई है, स्टे मिला है, भर्ती प्रक्रिया स्टे नहीं होनी चाहिए। अगर बाद में जितने कोर्ट के आदेशानुसार जितने भी अभ्यर्थी पास होंगे, चाहे वो 10,000 पास हों चाहे 5,000, नंबर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी तो पास होंगे। सरकार का कहना है कि हम उन सभी अभ्यर्थियों को नौकरी देंगे। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग ये जो चल रही थी, चलने दे। ये एक पॉइंट है जिसमें सरकार को हो सकता है कि यहाँ से सरकार को जीत मिल जाए। आपको दिखाते हैं शिक्षा मंत्री का विशेष ऑडियो। ऑब्जर्वेशन के बाद, कमेटी के बाद अगर कुछ और लोग उस मेरिट के दायरे में आएंगे तो हम उनको शामिल कर सकते हैं। सर, MRC मुद्दे को भी लेकर के छात्र में काफी आक्रोश है सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जो भी भर्ती हो रही है, जो हमारे देश का संविधान है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किए गए जो नियम उपनियम है, उन्हीं के अंतर्गत हो रहा है, कुछ नया नहीं। ओवरलैपिंग को लेकर के भी सर कहीं ना कहीं जनरल कास्ट के छात्रों में सर आक्रोश है OBC के प्रति सर। जो स्थापित विधि की प्रक्रिया है, जो आरक्षण के जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसमें हम किसी तरह का कोई मनमानी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने देखा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे पास 69,000 के अलावा भी बहुत सारी सीटें हैं, अगर डबल बेंच सिंगल बेंच से आदेश आता है तो उन पर हम भर्ती करने के लिए तैयार हैं। ओवरलैपिंग मामले में ये कहा है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो विधि विधान है, जो संविधान है, उसी के अनुसार ओवरलैपिंग की प्रक्रिया हो रही है, उसमें किसी अभ्यर्थी का कोई भी नुकसान नहीं है। MRC के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने यही कहा कि सारी चीज़ें सब रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो रही हैं। उनका कहना यह भी है कि हम एक एक बच्चे की अलग अलग मांगें, सब बच्चों के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हीं के अनुसार हमें चलना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई अपडेट आज के वीडियो की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।